देख रहे हैं एसपीए 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। नोएडा में महिला के साथ अभद्रता करने वाले बीजेपी के नेता श्रीकांत त्यागी को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अब कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि क्या इतने सालों से बीजेपी सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के बीजेपी नेता का निर्माण अवैध है, बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10 से 15 गुंडे भेजकर महिला को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा? किसके संरक्षण में उसका गुंडा राज और अवैध कारोबार फला फूला? कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में श्रीकांत त्यागी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं की तस्वीर भी ट्वीट की है। प्रियंका गांधी द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में श्रीकांत शर्मा के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यूपी बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं। वहीं इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ट्वीट कर लिख रहे थे कि बात है सच्ची और झूठी शर्मिंदगी, ऐसे बीजेपी अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे। इस ट्वीट में उन्होंने बीजेपी सांसद महेश शर्मा का एक वीडियो भी डाला जिसमें सांसद को पुलिस से बात करते हुए सुना जा सकता है। बता दें कि सोमवार की सुबह ही श्रीकांत त्यागी के आवास में हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो गई। ओएक्स सोसाइटी स्थित आवास पर पहले नोएडा विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। सोसाइटी के कॉमन एरिया और पार्किंग पर यह कार्रवाई की गई, लेकिन इस कार्रवाई के बाद से लगातार जो है विपक्ष की तरफ से हमला शुरू है। विपक्ष लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और एक एक करके बयानबाजी यहाँ पर बुलडोजर बाबा को लेकर के भी कर रहे हैं कि बुलडोजर जो है अब चल रही है, इससे पहले क्यों नहीं चली और आखिरकार इतना समय हो गया, अपने ही नेता के बारे में जो है आपके पास पूरी जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी आप दूसरे नेताओं में विपक्षों के नेताओं पर जो है लगातार हमलावर दिखते हैं, उनकी कुंडलियाँ निकाल रहे होते हैं, उनकी कुंडलियों पर जो है जवाबदेही दे रहे होते हैं। तो क्या यहाँ पर आपका हक नहीं बनता था कि आप पहले अपने ही नेताओं की कुंडलियां जो है वो छान लेते? इस तरीके की बयानबाजी जो है लगातार विपक्षों के द्वारा जो है किया जा रहा है और इन सब में अहम जो है एक बयान सामने आया था वो प्रियंका गांधी का था। प्रियंका गांधी का लेकर बयान जो है हमने आपको बताया, उस बयान को देख करके आपको क्या लगता है, क्या वो जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है? क्या सच में पहले जो है बीजेपी को अपने नेताओं के ऊपर जो है वो कार्रवाई करना चाहिए, उसके बाद जो है दूसरे नेताओं पर उंगली उठाना चाहिए? क्या विपक्षों के ऊपर जितनी तेजी से कार्रवाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, क्या उस कार्रवाई को होने में खुद के नेताओं पर क्या समय नहीं लग गया? क्या यहाँ पर बीजेपी ने कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा दिया नोएडा में कार्रवाई करने पर? आप लोगों को क्या लगता है? आप अपने तर्क जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीए 9 न्यूज़।